मित्रों, जब भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता के स्वागत में निकाली गई थी 100 बैलगाड़ियां, जी हाँ मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको इनके बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने भारत को पहला ओलंपिक पदक दिलाया था। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। खाशाबा दादा साहेब जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। जाधव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत का परचम लहराया था। इससे पहले तक भारत के सभी पदक फील्ड हॉकी में आए थे, ना कि व्यक्तिगत स्पर्धा में। मित्रों, यहां तक कि वो एकमात्र ओलंपिक पदक विजेता रहे जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। केडी जाधव को छोटी हाइट के चलते पॉकेट डायनेमो के नाम से भी जाना जाता था। केडी जाधव का जन्म 1926 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। उनके पिता दादा साहेब खुद भी पहलवान थे। छोटे कद के जाधव बेहद कमजोर दिखाई देते थे, इसी वजह से राजा राम कॉलेज के स्पोर्ट्स टीचर ने उन्हें वार्षिक खेलों की टीम में शामिल करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने की इजाजत दे दी थी। मित्रों, 1948 के लंदन ओलंपिक में केडी जाधव छठे स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने अपने खेल से काफी सुर्खियां बटोरी। लंदन से वापस लौटते ही जाधव ने हेलसिंकी ओलंपिक खेलों की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन जब हेलसिंकी जाने का समय आया तो उनके पास पैसे ही नहीं थे। राजा राम कॉलेज के उनके पूर्व प्रिंसिपल ने 7,000 रुपए की मदद दी और राज्य सरकार ने भी 4,000 रुपए दे दिए, लेकिन ये रकम काफी नहीं थी। फिर जाधव ने अपना घर गिरवी रखकर और कई लोगों से उधार लेकर हेलसिंकी का सफर तय किया। जाधव बैंटम वेट फ्री स्टाइल वर्ग में कनाडा, मैक्सिको और जर्मनी के पहलवानों को पछाड़कर फाइनल राउंड में पहुंचे थे, लेकिन वो सोवियत संघ के पहलवान राशिद ममादबेओव से हार गए। अब उनके पास मुकाबलों के बीच में आराम करने का समय नहीं था, जाधव थक चुके थे। इसके बाद ही उन्होंने जापान के शोहाची ईशी का सामना किया, जिनके खिलाफ वो हार गए। हालांकि भारत का ये दिग्गज कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहा। ऐसा करके केडी जाधव स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता बने। मित्रों, केडी जाधव जब कांस्य पदक लेकर लौटे तो उन्हें देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ी। 100 बैलगाड़ियों से उनका स्वागत किया गया। स्टेशन से अपने घर तक पहुंचने में उन्हें 7 घंटे लगे, जो दूरी सिर्फ 15 मिनट में पूरी हो सकती थी। इसके बाद मित्रों, 1955 में उन्हें मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी दी गई। पुलिस में बेहतरीन परफॉर्मेंस की बदौलत जाधव रिटायरमेंट से 6 महीने पहले असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल इस महान पहलवान को बचाया नहीं जा सका। जी हाँ मित्रों, 58 साल के केडी जाधव ने 1984 में दुनिया को अलविदा कह दिया। देश के लिए पहला पदक जीतने वाले जाधव को भारत सरकार जीते जी उचित सम्मान नहीं दे सकी, लेकिन ओलंपिक पदक जीतने के 50 साल बाद 2001 में उन्हें मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2010 में दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुश्ती स्टेडियम का नामकरण केडी जाधव के नाम पर हुआ। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल की बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।